आप सभी को नमस्कार। सप्ताह दो के दूसरे मॉड्यूल का भी टाइटल है एलिमेंट ऑफ आर्ट पार्ट टू। कोर्स का टाइटल है स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ, अर्थात वस्तु चित्रण का अध्ययन। पहले वीडियो में आपने देखा, मैंने छह तत्वों की बात कही, लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस। इस विक के अर्थात दूसरे विक के पहला जो वीडियो था उसमें मैंने तीन तत्वों की बात कही। अब बात करते हैं जो बचे हुए तीन तत्व हैं। आइए देखते हैं कि वो तीन तत्व कौन कौन से हैं। और मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं, मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू दिल्ली भारत। मायसेल्फ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नू दिल्ली इंडिया। तो थोड़ा सा मैं दोबारा से ब्रीफ करना चाहूंगा कला तत्व के बारे में, कि जो चित्र आप देखते हैं वह चित्र छह तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें चित्र के सिद्धांत विद्यमान होते हैं। अर्थात छह तत्व और चित्र के सिद्धांत मिलकर चित्र रचना करते हैं। तो उन छह अंगों का, उस छह तत्वों का मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया था। तो आइए विस्तार से बात करते हैं, बचे हुए तीन तत्व कौन कौन से हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वो तीन तत्व हैं तान अर्थात टोन, पोत अर्थात टेक्सचर, अंतराल स्पेस। तो बचे हुए तीन तत्व टोन, टेक्सचर एंड स्पेस हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए ध्यान भी दीजिए और साथ के साथ समय पे आप लिखते भी रहें। ऐसा ना हो कि वीडियो केवल सुनते सुनते पहले के सारे शब्दों का जो आपने सुना हुआ है वो भूल जाए। लिखना भी जरूरी ही है। हमेशा नोटबुक, नोटपैड, पेन पेंसिल लेकर इस वीडियो को आप देखें, ताकि आप आगे के जब प्रैक्टिस कार्य करेंगे तब इन तत्वों के बारे में आपको नॉलेज रह पाएगा। आइए बात करते हैं टोन के बारे में, अर्थात टान के बारे में। रंगत के हल्के और गहरेपन को टोन कहते हैं। रंगत शब्द यहां प्रयोग में लाया गया है। रंगत मतलब हर वस्तु के अपने रंग होते हैं जिससे वो पहचान में आते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, अन्य रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वायलेट इत्यादि, उन्हीं को हम रंगत कहते हैं। रंग के प्रकृति को ही हम रंगत कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में आपको मिल गया, रंगत के हल्के मतलब लाइट और गहरे अर्थात डार्क को तान कहते हैं। रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे। तान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टोन। तान का वर्गीकरण क्या है?
छाया, मध्यम प्रकाश, डार्क, मिडिल लाइट, ये तीन टोन आप स्टिल लाइफ में भी प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीक के पहले और दूसरे वीडियो में भी टोन के बारे में बताया था कि तीन टोन का आप प्रयोग वस्तु चित्रण में करेंगे, लाइट, मिडिल और डार्क टोन। तो इसको कैसे हम खींचेंगे या प्रयोग करेंगे, तान का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टोन क्या होता है। जब स्टिल लाइफ आप करते हैं तो वस्तु आदि में आयाम, वॉल्यूम लाने के लिए हम टोन का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ड्राइंग ही है और पेंटिंग। ड्राइंग में स्टिल लाइफ, नेचर स्टडी, ह्यूमन फिगर स्टडी इत्यादि। पेंटिंग में लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ग्रुप पोर्ट्रेट इत्यादि में टोन का दर्शन हो पाता है और उसका इफेक्ट अच्छा आता है, जिससे वैल्यू क्रिएट होता है। तान के प्रभाव से ही दो आयाम तल पर त्रिआयामी आभास उत्पन्न हो जाता है। तो आप देखेंगे जो ड्राइंग शीट आपको मिलती है, जो चार्ट पेपर होता है, वो टू डायमेंशनल होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है उसमें। जब उस सरफेस पे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, उसका आभास वस्तु का उत्पन्न करते हैं, तो त्रिआयामी आभास के साथ दिखता है। उसमें तान की ही महत्ता होती है। यदि टोन हम ना दें तो वह स्केच रूप में ही केवल दिखेगा, उसमें जीवंतता नहीं आएगी। तो आपको पता चल गया, तान के प्रभाव से ही दो आयामी तल पर त्रिआयामी आभास उत्पन्न करते हैं, उसका भी इफेक्ट हम ड्राइंग में देख सकते हैं, चित्रांकन आदि में देख सकते हैं। तान को उत्पन्न करने का माध्यम क्या क्या होता है, पेंसिल, पेन, मार्कर, जल रंग, कोयला इत्यादि। पेंसिल भी अनेक प्रकार के होते हैं, हल्के अक्ष छोड़ने वाले पेंसिल, गहरे अक्ष छोड़ने वाले पेंसिल, अर्थात लाइट टोन वाले पेंसिल, डार्क टोन वाले पेंसिल, HB से लेकर 10B, उससे भी ज़्यादा B तक होते हैं। पेन में बॉल पेन और जेल पेन इत्यादि होते हैं। मार्कर में पतले मार्कर, मोटे मार्कर, जिससे प्रभाव अलग अलग उत्पन्न होते हैं। कोयला इत्यादि, कोयला हम फाइन आर्ट्स की भाषा में इसे चारकोल पेंसिल के रूप में देखते हैं, चारकोल के रूप में जानते हैं। तो आप इन माध्यमों से टोन उत्पन्न कर सकते हैं, पेंसिल, पेन, मार्कर, रंग, कोयला इत्यादि। तो आइए इसके आगे देखते हैं, तान को उत्पन्न करने के आधार तल सरफेस कौन कौन से हो सकते हैं। आपको याद होगा जब आप बचपन में कुछ भी नुकीला चीज, वैक्स इत्यादि के पेंसिल, कोयला प्राप्त करते थे, अपने घर के दीवारों को आप रेखांकित करने लगते थे। अभी भी आप देख सकते हैं, आपके फैमिली में कोई भी छोटा बच्चा होगा, उसको नहीं पता कि दीवार पे जो पेंट किया गया है वह कितने महंगे पेंट से किया गया, नहीं पता है, वो रेखांकन करने ही लगता है। तो आधार तल कुछ भी हो सकता है, कागज, दीवार, कपड़ा, कैनवास, कार्डबोर्ड,
प्लाई इत्यादि। तो घर के दीवार से आगे की जर्नी देखें तो आपको ड्राइंग बुक मिल जाती है, उस पे आप अपने मन में जो भी चीजें हैं वो अंकित करने लगते हैं पेन पेंसिल इत्यादि से। कपड़ा, कपड़े में आप देख सकते हैं, आप कोई भी चीज बनाएं, स्टील लाइफ का अंकन करें, पेंटिंग करें, तो जो रंग लगाएंगे, बात लैंडस्केप की कर लेते हैं, दृश्य चित्र की कर लेते हैं, जब किसी शहर का, किसी पहाड़ इत्यादि का दृश्य आप बना रहे हैं तो पहाड़ कितना दूर है उसको दिखाने के लिए रंग में आप सफेद रंग मिलाएंगे, जिससे टोन उसका हल्का होगा और वह वस्तु दूर प्रतीत होने लगेगा। तो लाइट टोन यहां मैं बात करूंगा। इसके बाद आप देखिए कार्डबोर्ड प्लाई इत्यादि, आप यदि प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं तो प्लाई पे ही कुछ काम करेंगे, कम बजट में उसमें भी टोन का आप प्रयोग कर सकते हैं, ऑयल कलर हो सकता है, एक्रेलिक हो सकता है, एनामेल पेंट हो सकता है इत्यादि। तो आपने देखा तान को इन इन आधार तल पे सरफेस पे हम प्रयोग में ला सकते हैं। तान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, बात सही भी है कि टोन कैसा होना चाहिए। आप स्टील लाइफ कर रहे हैं, ह्यूमन फिगर स्टडी कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो टोन कैसा होना चाहिए। पेंसिल से कर रहे हैं उस समय टोन कैसा होगा, पेन का जो प्रयोग आप कर रहे हैं उस समय टोन कैसा होगा, कलर से जब आप काम कर रहे हैं तो उस समय कैसा टोन होगा। तो मुख्यतः सॉफ्ट होता है और वस्तु के प्रकृति के अनुसार भी हम टोन का प्रयोग करते हैं। यदि वस्तु सफेद वातावरण में है, मान लीजिए 3-4 हम पॉट लेते हैं, एक सफेद रंग का पॉट है, एक लाल रंग का है और एक ब्लैक कलर में है, तो तीनों के टोन में अंतर ही होगा। सफेद वाला ज्यादा लाइट टोन होगा, वहां पे HB 2B पेंसिल का हम प्रयोग करेंगे। जो ब्लैक है वहां हार्ड टोन के पेंसिल का हम प्रयोग करेंगे, 8B 10B इत्यादि। जो मिडिल टोन की वस्तुएं हैं उसको 4B 6B पेंसिल से आप प्रयोग कर सकते हैं। पेंसिल चलाने का तरीका आपका होगा, वह आपके अभ्यास से आएगा। अभ्यास आप ज़्यादा करेंगे सॉफ्ट इफेक्ट आएगा, शुरू में हार्ड पेंसिल चलेगी जब कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। जब आप पहले दिन से लेकर 30 वीडियो तक आपकी जर्नी तय होगी तो आप अपने आर्ट को, ऑब्जेक्ट स्टडी को देखेंगे कि पहले सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक कैसे चेंज आया है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। आप जब अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा कर रहे हो, इक्विपमेंट्स बना रहे हो, शुरू के सप्ताह में पहले वीक के वीडियो में मैंने बताया था कि वे विद्यार्थी जो साइंस से जुड़े हुए हैं, IT से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, अपना टेबल, अपने इक्विपमेंट्स का रेखांकन वो स्वयं कर पाएंगे। इस विषय की यही प्रकृति है कि कैसे आपको अध्ययन करना है और कैसे आपको सीखना है। तो आपने देखा तान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट और वस्तु के प्रकृति के अनुसार। अब बात करते हैं पोत के बारे में, जो पांचवा तत्व है टेक्सचर। आप रोजमर्रा के जीवन में भी बोलते हैं इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, इस कपड़े का टेक्सचर अच्छा नहीं है। मेल हो या फीमेल हो, बच्चे हो, कोई भी, आप अपने लिए कपड़े भी खरीदने जाते हैं
बोलते हैं पैंट का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, शर्ट का टेक्सचर ऐसे है तो ऐसा होना चाहिए, दोनों के कपड़े में टेक्सचर अंतर होना चाहिए। आप अपने बेडरूम को भी पेंट करवाते हैं तो पूछते हैं कि कहते भी हैं जो पेंट करने वाला होता, मुझे इस तरह के टेक्सचर चाहिए। अब वो टेक्सचर रिलीफ है या फ्लैट है, तो टेक्सचर तो हर जगह पे है। बात करते हैं टेक्सचर आप कहाँ से देख पाते हैं। सबसे पहले हमें टेक्सचर का दर्शन नेचर में ही होता है, प्रकृति में ही होता है, प्रकृति की अनुकृति ही हम करते हैं। अनुकृति करने के बाद उसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो आप अभी भी ध्यान दीजिए, अपने आसपास जितने भी वस्तुएं रखी हुई हैं, सोफा है, रोजमर्रा के प्रयोग में जो आने वाली वस्तुएं उनका है, दीवार इत्यादि के टेक्सचर को महसूस कीजिए। देखिए ध्यान से, अभी देखिए आप देख पाएंगे सबका टेक्सचर अलग है, तभी तो वो पहचाना जाता है। शीशे का टेक्सचर अलग होता है, स्टील का टेक्सचर अलग होता है, वुडेन वर्क कोई होगा उसका टेक्सचर अलग होगा, टेराकोटा का अलग होगा, स्टोन का टेक्सचर अलग होगा, घास ग्रास जमीन मिट्टी का उसका टेक्सचर अलग होगा। तो आइए परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु के धरातलीय गुण को पोत कहते हैं। टेक्सचर इज द कैरेक्टर ऑफ द सरफेस। तो आपको एक डिफिनेशन मिल गया पोत का, किसी वस्तु के धरातलीय गुण को पोत कहते हैं। तो आप पोत के बारे में एक परिभाषा जान गए, इसको तुरंत लिख भी लीजिए कि बाद में आपको कोई पूछे पोत के बारे में तो तुरंत आप बता पाए। अब आइए बात करते हैं पोत का वर्गीकरण, उसका वर्गीकरण क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर, मुख्य रूप से तीन ही टेक्सचर का वर्ग है। पहला, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थात जो प्राप्त होता है फॉर्म ऑफ नेचर। दूसरा, अनुकृति, जो आप कॉपी करते हैं। तीसरा, जो आप क्रिएट करते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम अपने स्टिल लाइफ में, अपने ड्राइंग में, अपने क्रिएशन में यूज करते हैं, उसी की अनुकृति भी करते हैं। तो एक तो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है जिसका टेक्सचर अलग होता है, उसको हम देख सकते हैं। दूसरा अब आता है, कुछ भी चीज बना हुआ है, कोई कपड़ा हो, दीवार हो या पेंटिंग हो, वहाँ के टेक्सचर से हम प्रभावित होते हैं और अनुकृति करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। इसके बाद जो नेचर ने दिया है, जो अनुकृति आपने किया है, जब समय आता है अपने इमोशन को पेंट करने के लिए, तो आप वहाँ टेक्सचर को क्रिएट करते हैं, अपने तरह का आप टेक्सचर देखते हैं। तो आपको तीन टेक्सचर मिल गया, एक प्रकृति ने दे दिया, एक कॉपी आपने कर लिया और एक आपने क्रिएट कर लिया। आइए बात करते हैं पोत का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यूज ऑफ टेक्सचर, स्टिल लाइफ, ड्राइंग, स्टडी वर्क, पेंटिंग, म्यूरल इत्यादि। तो आप पोत का प्रयोग इन सब्जेक्ट में के अध्ययन में आप कर पाएंगे। अब बात आती है कि पोत को उत्पन्न किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। पेंसिल, पेन, कलर, कोयला, रंग इत्यादि।
तो सबके आभास अलग उत्पन्न होंगे। यदि आप पेंसिल से कोई टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं, उसका देखने में अलग आनंद आपको प्राप्त होगा। पेन से जब आप करेंगे उसका इफेक्ट अलग आएगा। कलर से जब हम टेक्सचर उत्पन्न करते हैं उसका प्रभाव अलग होगा। आजकल आप देख भी रहे होंगे कि जो तरल रंग होते हैं उससे पोत कैसे उत्पन्न किए जा रहे हैं, आप बहुत से वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे, अलग चैनल्स पे भी देख पा रहे होंगे, यूट्यूब में भी बहुत सा वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न रंगों को मिलाकर कैनवस पे रंग को उड़ेल देना, फ्लो कर देना, गिरा देना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक ऐसा खुशनुमा टेक्सचर आपको प्राप्त होगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा वो पोत आएगा, ऐसा वो टेक्सचर आएगा, क्योंकि वो नेचुरल हो रहा है, उसके कोई फार्मूला आपको प्राप्त नहीं है। तो कुछ एक्सीडेंटली भी आ सकता है, कुछ हम प्लान करके भी ला सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि टेक्सचर कपड़ों में भी कलर को लगाकर उसके इम्प्रेशंस सरफेस पे लिए जा सकते हैं, दीवार हो गया, कैनवस हो गया, कोई भी चीज। तो टेक्सचर का प्रयोग इसलिए भी होता है कि दो वस्तुओं में अंतर किया जाए और सौंदर्य बढ़ाया जाए। इसके बाद विभिन्न वस्तुओं से भी आप टेक्सचर ले पाते हैं। आप देखेंगे कि जब आप कलर में काम करेंगे, आप कर भी रहे होंगे, बहुत से चित्रकारों के काम देखे होंगे कि वो टेक्सचर पे ही आधारित अपना काम करते हैं, रंगों को फ्लो करके किसी वस्तु के इम्प्रेशन को लेकर भी वो टेक्सचर उत्पन्न करते हैं, उसके बाद सरफेस उत्पन्न करने के बाद, क्रिएट करने के बाद वो अपने इमोशन को ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पोत को इन माध्यमों से आप उत्पन्न कर पाएंगे इफेक्ट। पोत उत्पन्न करने का आधार तल कागज, दीवार, कपड़ा, कैनवस, कार्डबोर्ड, प्लाई इत्यादि हो सकता है। जैसा कि मैंने टोन में भी बताया था, लाइन के बारे में जब बताया था, कलर के बारे में, सरफेस एक ही है, उसको कैसे प्रयोग करना है किस संदर्भ में, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कागज, दीवार, कपड़ा, कैनवस, कार्डबोर्ड, प्लाई इत्यादि। बात करते हैं अंतराल के बारे में। यह एलिमेंट ऑफ आर्ट का छठा तत्व है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके परिभाषा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको नोट भी करें। सृजन करने का आधार तल ही अंतराल होता है, मतलब जहां आप कुछ भी ड्रॉ कर दे रहे हैं वो सरफेस ही, उसका आधार तल ही अंतराल स्पेस कहलाता है। अंतराल दो आयामी होता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि कागज की लंबाई और चौड़ाई भी मिलती है। उसमें जब कोई आकृति का अंकन हम कर देते हैं तो वहां पे आयाम से वह वस्तु दिखने लगती है, अर्थात कलाकार जिस क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति करता है वही अंतराल कहलाता है। शिल्प शास्त्र में भी अंतराल के बारे में कहा गया है, चित्र सूत्रा में भी कहा गया है, जिसमें स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। समरांगण सूत्राधार में भी भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है अंतराल को। अंतराल का विभाजन सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है, आप उसको ध्यान से देखें। अंतराल का विभाजन का आधार क्या क्या हो सकता है, कागज, कैनवस, कार्डबोर्ड, कोई भी
सपाट धरातल इत्यादि। तो आप इन अंतराल में इस आधार तल पे अपने इमोशन को आप पेंट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अंतराल का माध्यम क्या होगा जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति करें? अंतराल विभाजन के माध्यम इस प्रकार हो सकते हैं, पेंसिल, पेन, रंग, रंग तूलिका, कोयला इत्यादि, जिसके माध्यम से उस अंतराल को आप भंग कर पाएंगे। अभी सादा कागज है, उसमें कुछ हम बना देंगे, वो उसका अंतराल भंग हो जाएगा, मतलब अब उसमें कुछ आपको आकृति का दर्शन हो पाएगा। तो उसके लिए हमें इन माध्यमों का भी प्रयोग करना जरूरी है, तभी आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे उस अंतराल में। इस प्रकार इस मॉड्यूल में आपने देखा कि जो छह तत्व पहले विद्यमान थे, पहले वीडियो में आपने तीन तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इस मॉड्यूल में आप तीन तत्व के बारे में जान पाए। इस प्रकार कला के छह तत्वों की जानकारी आपको मिल गई। आप इन तत्वों को बार बार अपने प्रैक्टिकल वर्क एवं बोलचाल में प्रयोग करते रहें, ताकि सारे शब्द आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएं और समय पर आप जब इसका प्रयोग करना चाहें वो स्वतः आपके माइंड से निकले। आशा करता हूं कि आप सभी इस विषय के बारे में, अर्थात कला के तत्व एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में गहनता से सुन भी लिए होंगे और अपने नोटबुक में आप इसको लिख भी लिए होंगे। यदि आपने नहीं लिखा है, कहीं आप चलते फिरते आपने इस वीडियो को ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व तो कर लिया आपने, कहीं बाहर से जब आप घर पे जाएं तो आप अपने नोटपैड नोटबुक में अवश्य लिखें। इस कोर्स में यदि आपने प्रवेश लिया है तो सप्ताह एक से लेकर 30 तक की जर्नी जो होगी आपके एक नोटबुक में ही होनी चाहिए, ताकि जब आपका एक कोर्स पूरा हो जाए और बाद में दोबारा आप उस चीज़ को देखें तो रिकॉल आप कर पाएँ और जानकारी ले पाएँ और अभ्यास कार्य पुनः से कर पाएँ और अपने जो कलाकृति है, जो आपका अभ्यास वर्क है, जो आपका लैब वर्क है, लैब ड्राइंग इत्यादि को आप अच्छे से बना पाएँ। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में इस विषय पे गहनता से आपको सामग्री और सुनने को मिला है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।